देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कैट के आह्वान पर जीएसटी की विसंगतियों, ई कॉमर्स व्यापार नीति व विभिन्न व्यापारिक समस्याओं को लेकर 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के आह्वान पर कई व्यापारिक समस्याओं को लेकर 26 फरवरी को भारत बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर सोमवार को झांसी के एक स्थानीय होटल में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष व कैट के राष्ट्रीय मंत्री संजय पटवारी ने बताया कि 17 व 18 फरवरी को बाजारों में पीले चावल वितरित कर व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद करने का निवेदन करेंगे। साथ ही 19 से 22 फरवरी तक विभिन्न बाजारों में गोष्ठी करेंगे। इसके बाद 23 व 24 फरवरी को शहर में शिपरी व सदर में बृहद जनसंपर्क कार्यक्रम और 25 फरवरी को वाहन रैली निकालकर व्यापारियों से बाजार बंद करने की अपील की जाएगी। बता दें, व्यापार मंडल अध्यक्ष ने बताया कि जीएसटी की जटिलता का आंकलन इसी से लगाया जा सकता है कि जीएसटी लागू होने से अब तक 937 से ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। बता दें, देश में जीएसटी लागू करना जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया गया। साथ ही इस मौके पर पत्रकार वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश विरथरे, अर्जुन सिंह, कैट के जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह दांगी, साथ ही जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता, संजय सराफ, पंकज शुक्ला, अंकुर वट्टा, मृत्युंजय तिवारी, मनीष रावत, आशुतोष अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बात को लेकर आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। देखिए, देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के आह्वान पर 26 फरवरी को संपूर्ण भारत बंद है। विषय है जीएसटी की विसंगतियों को लेकर, एफडीआई को लेकर एवं व्यापारिक अन्य समस्याओं को लेकर 26 तारीख को हम लोग पूरा संपूर्ण भारत बंद कर रहे हैं। उसी संदर्भ में संपूर्ण झांसी और संपूर्ण बुंदेलखंड बंद रखा जाएगा। हम लोग 17 और 18 को बाजारों में निकल के व्यापारियों को पीले चावल बांटकर बंद का आमंत्रण करेंगे। 18, 19, 20, 21 तारीख को बाजारों में जनसंपर्क किया जाएगा और 23 और 24 तारीख को बृहद जनसंपर्क हम लोग बाजारों में निकाल रहे हैं। 25 तारीख को एक बड़ी वाहन रैली हम लोग निकालेंगे और लोगों से आह्वान करेंगे। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद सबसे तगड़ा और सबसे ज़्यादा बंद होने वाला अगर कोई बंदी दिवस होगा या भारत बंद पर होगा तो वो हमारा 26 फरवरी होगा। उसकी रणनीति हम लोग बना रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे बंद को देखते हुए सरकार हमारी समस्याओं को सुनेगी। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ शिवम यादव की रिपोर्ट।